हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम अंजलिज़ फूड एंड ट्रैवल वर्ल्ड। तो गाइज़, आ गई हूँ आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा खास टॉपिक लेकर। तो गाइज़, इसमें हम बात करने वाले हैं टॉप 3 होटल्स इन शांति निकेतन बोलपुर अंडर 1000 रुपीज़ फॉर फैमिली एंड कपल। तो यस गाइज़, काफ़ी रीजनेबल लिस्ट है ये। निलॉय गेस्ट हाउस शांति निकेतन नंबर 1, 4.5 गूगल रिव्यू के साथ आपको मिल जाएगा। काफ़ी बड़ी सी प्रॉपर्टी है और रूम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेशियस दिखने वाले। गार्डन भी है और काफ़ी अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। इस तरीके का कुछ लुक एंड वाइब आपको मिलेगा, नेचर से कनेक्टेड आप रहोगे और प्राइस बहुत कम है। जैसे मैंने आपको दिखाया, पहले से बुक करोगे, गूगल में ये होटल का नाम सर्च करो, नंबर आपको मिल जाएगा, आप इजीली इसको बुक कर सकते हो। ऑनलाइन आप मेक माई ट्रिप गो आईबीबो से बुकिंग शायद इसकी नहीं होती है, आपको डायरेक्टली गूगल करके सर्च करके इसका नाम निकालना है और वहाँ पे होटल को फ़ोन करके इसका रिजर्वेशन करवाना है। देखो, रूम बहुत स्पेशियस है, टीवी है, वॉशरूम है, सब कुछ है, बालकनी है कुछ कुछ रूम्स में। शायद बालकनी वाले रूम्स का थोड़ा प्राइस हाई हो सकता है, बट ओवरऑल यहाँ पे सारी सुख सुविधाएँ हैं, रूम में एसी भी है। नंबर 2 अगर मैं बात करूँ अथिया गेस्ट हाउस की, 807 अभी इसका प्राइस है, 3.8 गूगल रिव्यू के साथ कुछ इस तरीके का है। यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली फैमिली होम स्टे। तो आज मैं आपको जो जगह दिखा रही हूँ वो होम स्टे कम होटल है। तो आपको यहाँ पे रहने के लिए एक बड़ा सा रूम, उसके साथ वॉशरूम, सब कुछ आपको मिलेगा। रूम यहाँ पे आप देखो सारे ही काफ़ी स्पेशियस है और थोड़ा ओल्ड कलकत्ता वाइब्स या ओल्ड वाइब्स आपको बोलपुर शांति निकेतन का रहेगा यहाँ पे, जो भी होम स्टेज दिखा रही हूँ। और ये देखो, यहाँ पे 4 शेयरिंग है, जिनका बजट कम है, घूमना चाहते हैं बट कम बजट में, तो उनके लिए ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा है। और एसी भी है, तो गर्मियों में अगर आप आते हो किसी तरीके से तो आप यहाँ रह सकते हो। और ये देखो, यहाँ पे सिटिंग एरिया के लिए चेयर्स भी दिए हुए हैं, तो काफ़ी सही है, यहाँ पे आपका बजट स्टे हो जाएगा। अब नंबर 3 है चैती लॉज, 4.2 गूगल रिव्यू के साथ देख सकते हो, इतनी हाई 646 रुपीज़ स्टार्टिंग प्राइस दिखा रहा है चैती लॉज। ये देखो, थोड़ा अच्छा जगह पे है, मार्केट एरिया प्रॉपर। और ये देखिए, इनका रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे वेटिंग है। ये देखो, सिंगल सिंगल 2 बेड पे, डबल बेड मतलब तो 4 शेयरिंग, 5 शेयरिंग, टीवी वगैरह सब कुछ है। आप इतना कंफर्टेबली आपका स्टे होगा, मैंने आपको अलग अलग रूम ऑप्शंस दिखा रही हूँ। ये देखो, ये भी है डबल शेयरिंग विथ सोफ़ा है, रूम के अंदर उन्होंने बेसिन भी दिया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये देखो, टीवी वगैरह है, काफ़ी सारे बेड्स आपको दे दिए जाते हैं ताकि जितने लोग भी आप आओ आराम से आप बजट स्टे कर सकते हो। ट्रिप्स में आ रहे हो, घूमने आ रहे हो, ज़्यादा खर्चा करने का मूड नहीं है तो ये ज़रूर रह सकते हो। यहाँ पे सिटिंग एरिया है, रूम बहुत स्पेशियस है, एसी है, सारी फैसिलिटी जो होती है, रूम एकदम बड़ा बड़ा है, वॉशरूम वगैरह भी नीट एंड क्लीन है। और आपको यहाँ पे अच्छा लगेगा अगर आप यहाँ रहते हो, देखो कितनी बड़ी वॉशरूम है। तो इसके लिए मैंने वॉशरूम भी दिखाया, आपने सोचा कि मैं सिर्फ रूम दिखा रही हूँ, पर मैंने आपको हर चीज़ अच्छे से दिखा दिया। तो गाइज़, आई होप आपको ये तीनों ऑप्शन शांति निकेतन बोलपुर के अंडर 1000 रुपीज़ अच्छे लगे होंगे। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलती हूँ, बाय बाय।